नारायण नमः। लंबोदर लंबोदर ओके। तो गाइस सबसे पहले आपको हमारा बिटमार्क प्रोजेक्ट एंड शेकी पे प्रेसेट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे अलाइट मोशन में शेयर कर देना है, तो वह अपने आप यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक बार देख लो, यहाँ से इस साइड से उस साइड तक पूरा देख लो किस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पर देख लो पहले से ही कुछ लेयर्स, कुछ इमेजेस दिए गए हैं एंड कुछ इफेक्ट्स भी है, तो एक वीडियो भी है स्टार्टिंग में। तो सब इंटरफेस देख लो, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग में आके प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से एक इमेज आपको दिया है तो वह इमेज यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक बच्चा टीवी देख रहा हुआ है उस इमेज में, तो यह इमेज आपको यहाँ पर लगा लेना है। एंड थ्री डॉट पर क्लिक कर इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, तो यह इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ से आगे जाके यहाँ से इसे यहाँ तक कर लेना है, 10 सेकंड तक यहाँ तक कर लेना है, 10.6 सेकंड तक यहाँ पर कर लेना है। एंड इस इमेज के सामने इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके इस इमेज को बैकग्राउंड में ले आना है, मतलब इस इमेज के ऊपर ले आना है। ओके, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर वीडियो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आगे आ जाना है, यहाँ पर छोटे छोटे बिट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ तक आ जाना है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर इमेजेस ऐड करते जाना है, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इमेज ऐड करना है। तो यहाँ पर इमेज मैंने ऐड कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इमेज की साइज़ 4:5 रेशियो है एंड वीडियो की साइज़ भी 4:5 रेशियो है। तो यहाँ पर इमेज को आपको फिल स्क्रीन एरिया करने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पर इमेज ऐड कर लो। एंड पहले से इमेज दिए गए हैं तो वहाँ पर आपको इमेज ऐड नहीं करना है। तो यहाँ से फटाफट मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पर पूरे इमेज ऐड हो चुके हैं। तो इमेज ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरे मैंने इमेज ऐड कर लिए। तो भाई थोड़ा संभल कर इमेज ऐड करना, बिकॉज नीचे वाले जो मैंने पहले से इमेज दिए हुए हैं वह इमेज नहीं दिखेंगे, इस बिट पर होंगे तो आपको वह इमेज नहीं दिखेंगे, तो उसके ऊपर गलती से इमेज ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर इमेज ऐड होने के बाद भी बाद में भी देख सकते हो आप एंड देख भी लेना। ओके, तो यहाँ से इमेज ऐड हो जाने के बाद हमें सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको यह पहला इफेक्ट कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक कर थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इफेक्ट कॉपी हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है एंड यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आगे जाना है। यहाँ से यहाँ पर छोटे छोटे जो 4 लेयर्स है स्टार्टिंग में, उस लेयर्स को यहाँ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो फटाफट से इस 4 लेयर्स को यहाँ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो इफ़ेक्ट्स पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन कर लेना है एंड सेकंड वाला इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है एंड बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आगे आ जाना है एंड जो बाकी के जो इमेज आपने अभी ऐड किए हैं उन्हें पूरे इमेज को यह इफेक्ट पेस्ट कर देना। लेकिन भाई वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पर जो गणेश जी के आँखों में जो ब्लिंक हुआ है या लाइटिंग आई है वो किस तरह से आई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना है एंड यहाँ पर पूरे इफ़ेक्ट्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो फटाफट से इफ़ेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो पूरे इफ़ेक्ट जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए है। तो पूरे इफेक्ट पेस्ट हो जाने के बाद अब हमें मेन प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले मैंने जो कुछ भी यहाँ पर इमेज दिए है उस इमेज के पास आ जाना है, जहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह जो दिया है मैंने तो उसे लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो
तो इस वाले लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो फ्लैश वाले लेयर दिए गए हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर एक लेयर है एंड यहाँ पर एक लेयर है फ्लैश वाला। तो फ्लैश वाले लेयर पर क्लिक करना है एंड इफ़ेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ से देख सकते हो चार इफ़ेक्ट इसके जो है हाइड किए हुए, तो इसे अनहाइड कर देना है। ओके ओके, तो इसे अनहाइड कर देना है, दोनों दोनों लेयर के इफ़ेक्ट्स को अनहाइड कर देना है एंड देख सकते हो यहाँ एकदम बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट आपको दिखने लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो भाई, तो आगे यहाँ ब्लिंक वाला दिया गया है एंड ब्लिंक वाला यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर पूरा हमारा यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, तो हमारा वीडियो बनने के बाद गाइज यहाँ पर अभी हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, आपके चैनल का लोगो या इंस्टाग्राम आईडी का लोगो जो कुछ भी है आपका वह लगाना चाहते हो वह लगाना है। तो यहाँ पर मेरे यूट्यूब का लोगो, तो मैं यहाँ पर यहाँ कोने में लगा देता हूँ इसे कुछ इस तरह से। तो कोने में लगाने के बाद इसे यहाँ से लास्ट तक कर लेना है। लास्ट तक हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो एकदम रेडी है। तो यहाँ ऊपर सेटिंग के ऑप्शन के बाजू में यहाँ पर एक एरो है, तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो इस वाले एरो पर क्लिक करना है वीडियो के सामने एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वीडियो रेजोल्यूशन यहाँ पर 1080p ले लेना है एंड इसका फ्रेम रेट तो फुल फुल ही रहेगा, फुल ही रहने देना है एंड इसकी क्वालिटी भी हाई कर लेनी है एंड एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर कर यह वीडियो आप अपने मोबाइल गैलरी में सेव कर सकते हो। एंड गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, अब तक वीडियो पहुँचाने तक का बहुत सफ़र, मतलब बहुत लंबा सफ़र होता है भाई, तो वीडियो को लाइक बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।